हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। कोरोना ने मचाया है कहर। इटली में एक दिन में हुई 793 मौत और इसी के साथ मरीजों की संख्या 4 लाख से ऊपर। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इसकी पूरी अपडेट जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसी दौरान ही दुनिया भर के करीब 186 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। बीते मंगलवार को कोरोना वायरस की चपेट में इटली इतने बेकार तरीके से आ गया कि वहां पर कोहरा मच गया है, जहां पर एक दिन में 793 मौतें हो चुकी हैं। उसी दौरान जैसे रूह काम जाती है ऐसी खबरें सुन के, और ऐसी खबरें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है कि ये सब चीजें क्या हो रही है। भारत में कोरोना की दहशत के चलते 21 दिन तक जो कि लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि इस जानलेवा वायरस को रोक सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो कि चीन के वुहान से ही शुरू हुआ और उस दौरान ही चीन के वुहान में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ी, वहां पर संक्रमित लोग हुए और वहां से शुरू हुई, वहां पर इतने सारे लोगों की मौत हुई और उसके बाद एक जो इटली है एक दूसरा एक ऐसा जगह है जहां पर कोरोना वायरस ने काफी ज्यादा अपना कहर मचाया हुआ है। अब तक वहां पर 6820 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी दौरान अभी खबर आ रही है कि इटली में एक ही दिन मंगलवार को 793 लोगों की मौत हो गई थी और उसी के साथ इटली में इतना ज्यादा कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है और उसी के साथ साथ जो कि चीन है वहां पर मचाया, पहले चीन में हुआ, फिर इटली में हुआ, फिर अमेरिका में और ईरान, जर्मन, फ्रांस और दक्षिणी जो कि कोरिया है वहां पर हर जगह पर कोहरा मचा के रखा हुआ है इसने। ये थमने का नाम तक नहीं ले रहा। भगवान करे कि जल्द से जल्द इसका जो भी एंटीडोज है वो जल्द से जल्द मिल जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।